नमस्कार, हेलो, वेलकम, बिज बस देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे चीन पर हुए दूसरे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की। आपको बताएंगे डिजिटल स्ट्राइक से चीन को कितना नुकसान होने वाला है, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत में मोबाइल ऐप्स का कितना बड़ा बाजार है। आपको ये जानना जरूरी है कि ऐप्स के जरिए कैसे चीन जासूसी करता है। चीन पर हिंदुस्तान का शिकंजा कसता जा रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने चीन पर 30 दिन में दूसरी डिजिटल स्ट्राइक की है। पहले भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाया था, अब 47 चीनी ऐप्स पर भारत में रोक लगा दी गई है। काफी दिन से चीन के ये ऐप सरकार के रडार पर थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार जिन 47 ऐप्स को बैन किया गया है वो सभी पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन के रूप में काम कर रहे थे। इन सभी ऐप्स पर डेटा चोरी के गंभीर आरोप हैं। सरकार ने 47 ऐप्स पर पाबंदी लगाकर जोर का झटका दिया है। चीनी कंपनियों के ऐप बैन करने की ये दूसरी किश्त है। सरकार ने डेटा सिक्योरिटी के मकसद से ये फैसला लिया है। जिन ऐप्स को बैन किया गया उसमें टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बीगो लिव लाइट, वी एफ वाई लाइट जैसे ऐप्स शामिल हैं। ये बैन किए गए ऐप्स के क्लोन वर्जन है। माना जा रहा है कि अभी और करीब 275 चाइनीज ऐप्स सरकार के निशाने पर हैं। इन सभी ऐप्स की जांच सरकार की ओर से की जा रही है। अगर ये चाइनीज ऐप्स जांच में खड़े नहीं उतरे तो चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक संभव है। जिन ऐप्स की मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें चीन की सबसे ताकतवर इंटरनेट कंपनी टेंसेंट का पबजी गेम शामिल है। इसके अलावा शियाओमी का जिली, अलीबाबा का अली एक्सप्रेस और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस का रेसो और यू लाइक जैसे ऐप शामिल हैं। सरकार की ओर से इन ऐप्स को बैन करने की एक बड़ी वजह 2017 में पास किया गया चीन का एक कानून है। ये कानून सभी चीनी कंपनियों पर लागू है, चाहे वो दुनिया में किसी भी देश में कारोबार कर रही हो। इन्हें इकट्ठा की गई कोई भी जानकारी चीन की सरकार को देनी होगी। इनमें वो जानकारी भी शामिल होंगी जिन्हें इंटेलिजेंस की श्रेणी में डाला गया है। ये कानून चीन की कंपनियों को विदेश में उसका जासूसी एजेंट बनने के लिए मजबूर करता है। ये जो ऐप्स हैं चाइना के, ये चाइनीज कंपनी सारी की सारी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना एंड टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वास्तव में हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत जबरदस्त खतरा है। कानून की मजबूरी के साथ साथ चीन की मोबाइल कंपनियों के मालिकों की आस्था भी सीधे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में है। अलीबाबा के जैकमा, टेंसेंट के पोनीमा, शियाओमी के लेजून और बाइजू के रॉबिन ली का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है। लेकिन अब भारत ने चालबाज चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। चीन के अब तक के 106 ऐप्स पर बैन लगाकर चीन को करोड़ों रुपए का झटका दिया है। भारत की मोबाइल ऐप्स का कारोबार बहुत बड़ा है। मोबाइल ऐप्स इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया के चौथे पायदान पर है। भारत में 120 करोड़ फोन यूजर्स हैं, 63 करोड़ 60 लाख लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। जो ऐप्स इकोनॉमी में 2016 में 100 लाख करोड़ के थे वो 2020 तक अनुमानित 1 खरब 80 अरब रुपए के हो जाएंगी। मोबाइल ऐप डाउनलोड के मामले में भारत इस समय चीन के बाद दूसरे पायदान पर है। लेकिन जिस रफ्तार से मोबाइल ऐप्स डाउनलोड में इजाफा हो रहा है उस मामले में भारत दुनिया में नंबर वन है। 2020 तक भारत के GDP में इंटरनेट का योगदान 2016 के 5% से बढ़कर 7.5% हो जाएगा और इसमें ऐप का योगदान आधा होगा। ये आपने भारत में ऐप्स के कारोबार के बारे में जाना। अब जरा भारत से कुछ बड़े चाइनीज मोबाइल ऐप्स कितना कमाते हैं ये भी जान लीजिए। चाइनीज कंपनी बाइट डांस के टिकटॉक और हेलो ऐप्स ने भारत से साल 2019 में 43 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। इस साल बाइट डांस का टिकटॉक एंड हेलो से 100 करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य था। अलीबाबा ग्रुप की यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज साल 2019 में भारत से 226 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। गूगल और क्रोम के बाद यूसी ब्राउजर भारत में तीसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन है। शेयरइट ने साल 2019 में भारत से 14 करोड़ 73 लाख रुपए की कमाई की। क्लब फैक्ट्री ने भारत से साल 2019 में 172 करोड़ की कमाई की थी। ये कुछ चाइनीज ऐप्स हैं जो भारत से सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब सरकार ने इनकी कमाई बंद कर दी है। अब ये सभी ऐप्स भारत में बैन है। भारत ने चाइनीज ऐप्स में रोक लगाकर चाइनीज ऐप्स की चालबाजी के बारे में दुनिया को बड़ा संदेश दिया। इसी का नतीजा है कि ब्रिटेन ने चीन की हुआवे कंपनी पर पाबंदी लगा दी है। वहां 5G वायरलेस नेटवर्क के काम में लगी थी ये कंपनी। दूसरी तरफ अमेरिका टिकटॉक पर सख्ती बढ़ाती जा रही है और जल्द ही उस पर बैन लगा सकती है। ये भारत की ओर से उठाए गए वो कदम है जिसका नतीजा है कि टिकटॉक पर अधिकार रखने वाली चीनी कंपनी बाइट डांस अब उसे बेचने की कगार पर है।